बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन नैनीताल। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ नैनीताल के बारे में। अगर आप नैनीताल घूमने जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा नैनीताल की टॉप 7 जगह घूमने वाली। नंबर 7, नैना झील। तट पर स्थित नैना देवी मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है और नैना झील में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। नैना देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और मंदिर का नाम पौराणिक कथा से मिलता है कि देवी सती की आंखें नयन इस स्थान पर गिरे थे जब भगवान विष्णु ने उनके सिर को 51 अलग अलग हिस्सों में काट दिया था। पूरे शहर नैनी झील और नैनी मंदिर का नाम सती के नाम पर रखा गया। मंदिर परिसर के भीतर एक पुराना पीपल का पेड़ है जो आशीर्वाद दे रही है। आंतरिक गर्भगृह में माता काली देवी और भगवान गणेश की भी मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर विशाल में और माना जाता है कि इसका निर्माण 51वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। नंबर 6, नैनीताल चिड़ियाघर। वन्य जीवन का आनंद लेने के लिए नैनीताल के सबसे अच्छे पर्यटक स्थलों में से एक है। भारत रत्न भी कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड चिड़ियाघर उत्तराखंड का एकमात्र चिड़ियाघर है। गोविंद बल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अपनी तरह का केवल दूसरा दार्जिलिंग में है। यह उन जानवरों का घर है जो केवल उच्च ऊंचाई पर रहते हैं, जिनमें साइबेरिया बाघ, बकरी, मार्ग और हिम तेंदुए शामिल हैं। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास ऊंचाई में रखा जाता है। नैनीताल चिड़ियाघर 4.6 हेक्टेयर 11 एकड़ में फैला हुआ है। इनमें विभिन्न पक्षी भी हैं, जैसे गोल्डन तीतुर, गुलाब की अंगूठी वाला तोता, काजल तीतुर, पहाड़ी तीतुर, सफ़ेद मोर, खिले हुए सिर वाले तोते और लाल जंगल का पक्षी चिड़ियाघर शेर का डंडा पहाड़ पर नैनीताल बस स्टैंड से 1.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5, स्नो न्यू पॉइंट। नैनीताल का स्नो पॉइंट न्यू हिमालय की चोटियों से देखने के लिए सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। इस स्थान के लिए सुबह की यात्रा महान हिमालय पर्वतमाला के कुछ बेहतरीन दृश्य प्रदान कराती हैं। चोटियां शीर्ष पर सफेद बर्फ से ढली नंदा नदी देवी त्रिशूली और नंदा कोट से लुभाने दृश्य दिखाई देते हैं। यह नैनीताल झील और शहर के मध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हालांकि मल्लीताल से हवाई रेलवे में एक सवारी इस जगह तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। चोटी पर सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य देवताओं को भी समर्पित एक छोटा मंदिर स्थित है। नंबर 4, नैना पीक। नैना पीक सबसे ऊंची पहाड़ी है और नैनीताल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद चोटी का नाम बदलकर चाइना पीक से नैना पीक कर दिया गया। अपनी ऊंचाई और हरे भरे जंगल पथ के कारण नैना पीक कर दिया गया। नैना पीक ट्रेंडिंग के लिए पसंदीदा जगह है। आप चोटी या घोड़े पर सवार होकर भी चोटी पर पहुंच सकते हैं। ढलाने के नीचे ट्रक आपको अद्भुत शहर और नैनी झील के साथ प्रकृति का जीवन दृश्य देता है। समुद्र तल से 2611 मीटर की ऊंचाई पर यह चोटी स्थित है। आप यहां घूमने के लिए जरूर जाएं। नंबर 3 पर है इको देव गार्डनर। आपस में जुड़ी हुई गुफाओं और ट्रेंडिंग गार्डनर का एक समूह है जो नैनीताल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सुरंगों और मध्यम से 6 भूमिगत गुफाएं जुड़ी हुई हैं। द्रव्य और दृश्य प्रभावों के साथ एक संगीतमय फतवार सुंदरता में इजाफा करता है। जगह की प्रमाणिकता बनाए रखने के लिए बगीचे को पुराने जानवर के आकार की है, जैसे
बल्ला बागने वाली लोमड़ी, तेंदुआ गिलहरी और हैंगिंग गार्डनर गुफाओं के साथ साथ रास्तों को लाज करते हैं। कुछ गुफाएं बहुत संकरी और पास लैंकिंग यह वह हैं जो रोमांच में जोड़ता है। इन प्राकृतिक गुफाओं को रख रखाव स्थापनीय प्रशासन द्वारा किया गया है। इको देव गार्डनर सुकलता और स्थित है। यह नैनीताल बस स्टैंड से लगभग 3 किमी दूरी पर गुफा उद्यान तक पहुंचाने के लिए आप बस से टैक्सी ले सकते हैं। नंबर 2 टिफिन टॉप। नैनीताल झील जिले के 307 डिग्री दृश्य के साथ आयरपच हिल टिफिन टॉप का सिर, जिसे डोरोफी फीट्स भी कहा जाता है, समुद्र तल से 2292 मीटर ऊपर है और नैनीताल में एक पर्यटन स्थल है। कुमाऊं की पहाड़ियों इस स्थान को घेरती हैं और इसकी खूबसूरती टिफिन टॉप, चेर ओक और देवदार से घिरा हुआ है। टिफिन टॉप हाइक सभी एडवेंचर प्रेमियों के लिए जरूर है। मुख्यतः शहर से लगभग 4 किमी दूर आप या तो पैदल ही उस स्थान पर पहुंच सकते हैं और या एक रूट किराए पर ले सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो निकटतम बस स्टैंड तल्लीताल बस स्टैंड है। टिफिन टॉप से नैनीताल 6 किमी दूरी पर है। और नंबर 1 पर है नैनीताल झील। नैनीताल झील नैनी या नैनीताल के केंद्र में एक प्राकृतिक ताजा झील है। यह अंतरचंद्रकार आंख आकार की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। यह नेका बिहार पिकनिक और शाम की सैर के लिए अदृश्य स्थान है। नैनीताल झील 7 अलग अलग चोटियों से घिरी एक अनमोहन जगह है। झील को 2 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी भाग को मल्लीताल और दक्षिणी क्षेत्र को तल्लीताल कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ों का आनंद लेने के लिए नाव की सवारी करें। विशेष रूप से पहाड़ों पर सुंदर सूर्यास्त झील सुबह 6 बजे शाम 6 बजे तक खुली रहती है। नैनी झील नैनीताल के तल्लीताल बस स्टैंड से मात्र 1 किमी दूरी है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से यह 25 किमी दूर है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक और जल्दी जल्दी से शेयर कर दें। मैं आपके लिए इसी तरह की नई जानकारी और नया ब्लॉग और नई वीडियो लाता रहूँगा। बाय बाय गाइज।